नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट की खबरें लगातार हम पहुंचा रहे हैं आप तक, और हालांकि बड़ा गंभीर एक्सीडेंट है, बहुत गंभीर एक्सीडेंट ये है, क्योंकि ऋषभ पंत की कार की तस्वीरें देखकर एक्सीडेंट की मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना गंभीर एक्सीडेंट ये रहा होगा और किस तरीके से गाड़ी टकराई होगी, ये बिल्कुल तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल जो खड़ा हो रहा है ना, वो ऋषभ पंत के करियर पर खड़ा हो रहा है कि ऋषभ पंत का करियर अब आगे कहाँ जाएगा, क्योंकि जो खबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उस खबर के बाद आप लोगों को भी जानकर हैरानी होगी, क्योंकि अब कैसे एकदम चीज़ें बदल जाती हैं, कैसे इस पुराने साल 2022 ने ऋषभ पंत को दुख दे दिया। क्योंकि एक तो पहले तो टीम इंडिया से बाहर हो गए, टीम इंडिया से बाहर होने के बाद अब जो एक्सीडेंट की खबर आई है और एक्सीडेंट के बाद भी जो चोट की खबर आ रही है, जिस जगह ऋषभ पंत को चोट लगी है, जाहिर तौर पर उसने ऋषभ पंत के करियर पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है उसके बाद। क्योंकि जो खबर है वो ये है कि ऋषभ पंत की सर में चोट आई है, पीठ में चोट आई है, और उसके साथ ऋषभ पंत के पैर में चोट आई है, पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। अगर पैर में सीरियस फ्रैक्चर है, ज़्यादा फ्रैक्चर है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि वो बहुत दिनों तक फिर बेड रेस्ट रहेंगे। आईपीएल नज़दीक है, T20 विश्व कप नज़दीक है, तो इसमें ऋषभ पंत नहीं खेल पाएंगे। और अगर फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा गंभीर है तो फिर ऋषभ पंत के करियर पर भी खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि जो खबर है वो यही है कि सर में और पीठ में तो हल्की मामूली चोटें हैं, लेकिन पैर में गंभीर फ्रैक्चर बताया जा रहा है। क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़बरदस्त था, आप देख रहे होंगे गाड़ी की तस्वीरें किस तरीके से एक्सीडेंट था, गाड़ी पूरी परखच्चे उड़ गई आगे से और जलकर बिल्कुल खाक हो गई। लोगों ने, आसपास के लोगों ने ऋषभ पंत को जाकर शीशे तोड़े, वहाँ जाकर फिर बचाया ऋषभ पंत को, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट की खबर है और पैर में बहुत तगड़ा फ्रैक्चर की खबर है। अगर ये फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा गंभीर है तो ऋषभ पंत के करियर पर भी खतरा मंडरा सकता है, और शायद हो सकता है कि आने वाला IPL और T20 विश्व कप फिर ऋषभ पंत ना खेल पाए और चोट की वजह से, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे रहे हैं, ऐसे भारतीय क्रिकेट में बहुत सारे उदाहरण रहे हैं जो चोट की वजह से करियर खत्म हो चुका है। तो हो सकता है कि ऋषभ पंत के साथ भी ऐसा हो जाए कि चोट की वजह से ऋषभ पंत का करियर खत्म हो जाए, क्योंकि ये चोट बड़ी गंभीर है। एक्सीडेंट की तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, गाड़ी की तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गाड़ी कितनी खतरनाक तरीके से टकराई होगी डिवाइडर से, रेलिंग से, और कम से कम 15-20 रेलिंग तोड़ते हुए गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह एक्सीडेंट मामूली नहीं था, यह एक्सीडेंट बहुत गंभीर था। और अकेले बताया तो यही जा रहा है कि ऋषभ पंत गाड़ी में अकेले ही थे, और अगर खुद ही ड्राइव कर रहे थे तो जाहिर तौर पर उनके पैर में चोट आई हो, अगर पीछे बैठे हुए होते तो शायद उतनी चोट नहीं आती, क्योंकि गाड़ी की तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पीछे तक चोट नहीं पहुंची, आगे का हिस्सा पूरी तरीके से डेड हो चुका है। तो इसलिए आगे शायद ऋषभ पंत ही गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, इसलिए उनके पैर में इतनी गंभीर चोट आई है। तो आपका ऋषभ पंत के करियर को लेकर अब क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि रिकवर कर पाएंगे, चोट उतनी गंभीर नहीं होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि खबर बड़ी दुखदाई है। ऋषभ पंत को चाहने वाले बहुत हैं, ऋषभ पंत को पसंद करने वाले बहुत हैं, हर कोई चाहता है कि ऋषभ पंत जल्दी से रिकवर हो जाएं और वो पूरी तरीके से ठीक होकर दोबारा से टीम इंडिया में आएं, लेकिन जो खबर है वो डरा रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।